नमस्कार फ्रेंड्स, लोकतंत्र का पर्व एपिसोड में आपका स्वागत है। गौरव जी, इस बार चुपचाप बाल्टी छाप, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से आपकी जो चुनाव है वो लोकसभा के एक सदस्य के तौर पे होने जा रहा है, तो क्या मुद्दे हैं 2024 के मुख्य चुनाव के जिसको लेकर आप जनता के बीच उतरे हैं? पांच मुद्दा है, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और बिजली। ये पांच मुद्दा है, ये पांच मुद्दा पांच साल में हम जनता को करके देने का भरोसा दिला रहे हैं, क्योंकि यही सारा पांच मुद्दा है जमशेदपुर में जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है, जिस पे कोई काम नहीं कर रहा है। बताइए कि आप किस बैकग्राउंड से हैं और जनता को आप पे भरोसा हो तो किस बात को लेकर भरोसा हो, कैसे आप पे विश्वास करे जनता जिससे कि आपको चुने और लोकसभा में आपको अपना प्रतिनिधि बनाए? देखिए, जनता जनार्दन है, जनता बहुत स्मार्ट है, जनता को पता होता है कि हर बार कौन उनका प्रत्याशी है। अगर जनता कोई लंगड़े प्रत्याशी को चुनती है या फिर इसको बोलती है कि तुम दौड़ो तो क्या वो दौड़ेगा क्या? आपको ऐसे प्रत्याशी को चुनना होगा जिसका दो पांव हो, हाथ हो, वो बलिष्ठ हो, वो जवान हो, तब आपके लिए दौड़ेगा। यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं उनका कोई हिस्ट्री अच्छा नहीं है। विद्युत वरण महतो जी हैं, वो 10 साल से पावर के पोजीशन में रहे हैं। इन पांचों मुद्दा में से वो किसी भी एक कम्युनिटी को चुन लें कि उस मुद्दा में उन्होंने क्या काम किया है, संपूर्ण विकास करके दिया है, तो हम अपना नॉमिनेशन वापस कर लेंगे। समीर महंती जी लड़ रहे हैं, उनसे बारागोड़ा कई लोग खुश नहीं है, तो जनता क्या ये सब नहीं देख रही है? जनता देख रही है कि पानी के मुद्दा पे हम लड़ रहे हैं, ठेकेदारी मजदूर का पूरा शहर हो गया है उस पे हम लड़ रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं। 5,000 नौकरी देने का हम बात किए हैं हर साल मिनिमम, वो हम लेके आएंगे परमानेंट नौकरी। उसके अलावा शिक्षा के संस्थान सारे खुलवाएंगे। उसके अलावा आप स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में बात कीजिए तो किसी पार्टी ने क्यों कभी नहीं बोला कि हमको जमशेदपुर में नए हॉस्पिटल की जरूरत है? या तो MGM में रहिए या तो TMH में रहिए। तो MGM सरकारी खाता है, उसमें आप जाके मरिए, यानी तो TMH का एक अधिकार है, आप उसमें जाके मैक्सिमम से मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन आपसे किया जाएगा। तो जनता सब देख रही है और जनता डिसाइड करेगी कि इसको वोट करना है। तो ये समाज सेवा के क्षेत्र में आने को आपने सोचा, इसके पीछे का क्या कारण है, मुख्य वजह क्या है? जी, हम तो 20 साल पहले जब 20 साल से जमशेदपुर में रह रहे थे, हम जब वापस आए 3 साल पहले, तो हम आके देखे कि यहाँ का क्या जर्जर हाल है, एकदम बेहाल है। वो जमशेदपुर नहीं है जिसको हम देख के गए थे। तो ये सब देखने के बाद जब हम सोचे, 2-2.5 साल हम अपना रिसर्च किए, हर बस्ती में गए, लोगों से जाके मिले, नॉन पॉलिटिकली, क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं, और उसके बाद लोगों ने हमको खुद कहा कि देखिए ये सब सारा समस्या है लेकिन करता कौन है इस सबके बारे में, हम लोग किस पे भरोसा करेंगे? तब हमको शुरू में लगा कि शायद लोग हमको चढ़ा रहे हैं, फिर हमको बाद में सही में भी रियलाइज हुआ कि यहाँ क्लियर लीडरशिप का अभाव है। कोई लीडर जो है वो जनता को राह नहीं दिखाता। सबका मुद्दा यही है कि कैसे किसी चीज़ को उलझा के रखो ताकि वो चीज़ पूरा ही नहीं हो और उस पर अपना राजनीतिक गोदी देखते रहो। तो जमशेदपुर 100 साल पुराना शहर है, मेरा अपना शहर है, हम इस शहर में ये सब भ्रष्ट राजनीति अब चलने नहीं देंगे। हम अकेले आवाज़ उठाए हैं, जनता मेरे साथ है, जहाँ जा रहे हैं बहुत सपोर्ट मिल रहा है। जी सौरभ जी, सेकेंड लास्ट नोट पे हैं हम लोग, आपको एक बात बताएं कि आप जब समाज सेवा के क्षेत्र में आए हैं, स्वाभाविक है कि जो चुपचाप काम करते हैं वो कमाल करते हैं, तो क्या इस बार जमशेदपुर की जनता, क्योंकि आपकी 1-to-1 मीटिंग से, 1-to-1 कंपेनिंग से क्या लग रहा है कि जनता आप पे भरोसा कर रही है और आप अपने मतों को प्लस करते जा रहे हैं, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा मत प्राप्त करें, क्या लग रहा है जनता से मिलने के बाद? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, लोग गले लगा रहे हैं, लोग हाथ मिला रहे हैं, लोग पीठ पर शाबाशी दे रहे हैं, कई लोग तो गाल भी छूते हैं जैसे हम कोई छोटा बच्चा है। तो हमको दिखता है कि उन लोग के मन में क्या प्यार है मेरे लिए, एक आक्रोश है जो मेरे प्रति प्यार के रूप में निकल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार लोग सड़कों पर तोड़ फाड़ करें और आगजनी करें बदलने के लिए। आज के लोकतंत्र में ये ज़रूरी है कि किस तरह हम नया प्रत्याशी को आने का मौका दें। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनता ये सब देखेगी कि हम लड़ रहे हैं उसके लिए और हमको इस बार सत्ता में आने का मौका मिलेगा ताकि हम सांसद का पावर क्या है दिखा सकें। यहाँ सांसद के पोजीशन पर जंग लग गया है, लोग ये सोचने लगे हैं कि सांसद कर क्या सकता है, सांसद बन गया वो क्या करेगा। हम दिखाते हैं कि सांसद का पावर क्या है, एक सांसद जो जनता के पक्ष में बात करता है, काम करने के लिए रेडी है, वो क्या विकास कर सकता है। जी सौरभ जी, लास्ट नोट पे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं, विद्युत वरण महतो या जो भी कहीं सांसद है, लगभग पूरे भारतवर्ष का यही कंक्लूजन आया है कि 70-80% लोग नरेंद्र मोदी जी को देख के वोट कर रहे हैं, लोकल सांसद को देख के वोट नहीं कर रहे हैं, तो आपका क्या मत है इस विषय को लेकर? नहीं नहीं, ये गलत फिलॉसफी है। देखिए, ठीक है 10 साल सरकार में रही नरेंद्र मोदी जी को हमने मौका दिया, हो सकता है उनको फिर से मौका दे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जमशेदपुर का विकास करने आएंगे क्या? आप एक बात बताइए, या राहुल जी विकास करने आएंगे क्या?
मैंने लोकल प्रत्याशी जो होता है वो विकास करता है। नरेंद्र मोदी विकास नहीं कर सकते जमशेदपुर का, राहुल जी विकास नहीं कर सकते, यहाँ का जो लोकल प्रत्याशी रहेगा वो विकास करके देगा। तो आप अगर राजनीति स्वस्थ रखना है देश के अंदर तो अपने अपने प्रत्याशी को देखिए, कैंडिडेट से शादी कीजिए 5 साल के लिए, पार्टी से नहीं। आज के दिन में आप लॉयल्टी नाम का शब्द का कोई अर्थ नहीं है। अगर किसी को कहता है तुम किसी के वफादार हो क्या, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि वफादारी का मतलब है कि हम आपसे नीचे हो गए, तो हम फिर पार्टी को वफादारी क्यों दिखा रहे हैं। हम वफादारी दिखाना है तो अपने कैंडिडेट को दिखाएं, अपनी जगह को दिखाएं। जी बहुत सुंदर जी। अब एक आखिरी सवाल कि क्या आपको प्रधानमंत्री के तौर पे कैसे व्यक्तित्व को पसंद है और कैसे व्यक्तित्व को चाहते हैं कि भारत का नेतृत्व करे और भारत का प्रधानमंत्री बने? भारत का प्रधानमंत्री अब एक ऐसा युवा होना चाहिए जो आगे बढ़ के देश को लीड कर सके, वो देश को धर्म पे नहीं बांटे, वो देश को जाति पे नहीं बांटे, वो देश को किसी वर्ण व्यवस्था पे नहीं बांटे, वो देश को विकास पे बांटे, वो देश को दुनिया के साथ फोड़ में ले जाए और दुनिया को बताए अरे हम लोग भारत है, बहुत देर हम लोग पीछे रह लिए, अब दिखाते हैं कि हमारा 140 करोड़ में क्या ताकत है, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो क्या कोई नाम आपके जहन में आता है क्या? नाम तो लेना जो है वो, हम तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी। हम तो उम्मीद करेंगे कि भाई सौरव विष्णु भी हो, और मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ। क्या अपील करना चाहेंगे लास्ट नोट पर जनता से, पूरे जमशेदपुर के लोकसभा क्षेत्र के लोगों से? जमशेदपुर के जनता से अपील करेंगे कि बच्चों का भविष्य देखिए, हम खुद 40 बरस पे हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, तो हम लोग को उनका भविष्य देखना है। भविष्य के लिए शिक्षा चाहिए, शिक्षा से नौकरी मिलती है, नौकरी चली गई है जमशेदपुर की, तो शिक्षा को उठाना है, नौकरी को लाना है, स्वास्थ्य को देखना है, पीने का स्वच्छ पानी का व्यवस्था होना चाहिए, और हमारा देश गर्म देश है, इस गर्म देश में बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग के घर में पंखा चले, कूलर चले, एसी चले। आज आप स्टॉक मार्केट में देखिए, जो 30 रुपये का स्टॉक था एनर्जी का स्टॉक, वो 600 रुपये का हो गया। बिजली का कंजम्पशन है क्या उस तरह का, सप्लाई है उस तरह का? केवल स्टॉक मार्केट में पैसा बनाइएगा और घर में बिजली रहेगा नहीं, पानी रहेगा नहीं, दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी ऑनलाइन के लोकतंत्र के पर्व कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत विष्णु जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे मतों से जनता आपको जरूर जितवाए और आप लोकतंत्र की सेवा करते रहें। नमस्कार फ्रेंड्स, लोकतंत्र का पर्व एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर रिस्पॉन्ड करिएगा और अपने मत का प्रयोग जरूर करिएगा, क्योंकि इंडिया टीवी ऑनलाइन की अपील है कि मताधिकार आपका सर्वश्रेष्ठ अधिकार है। जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप लोकतंत्र को चुनते हैं और लोकतंत्र में उस व्यवस्था को चुनते हैं जो विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्था है। भारत को विकसित करने में, भारत को सर्वश्रेष्ठ करने में अपना योगदान निभाएं और मतदान जरूर करें। नमस्कार, इंडिया टीवी ऑनलाइन पर।